बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर एटा से है, जहां गैस रिफिलिंग के दौरान वैन में भीषण आग लग गई, जिससे आसपास अफरा तफरी का माहौल मच गया। वहीं जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती, वैन जलकर खाक हो चुकी थी। वहीं शहर में गैस का अवैध कारोबार जोरों पर चल रहा है। रेस्टोरेंट से लेकर मिष्ठान भंडार और गेस्ट हाउस में भी घरेलू सिलेंडरों का उपयोग हो रहा है, लेकिन ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये रिफिलिंग कर रहा था वो गैस। अच्छा, गैस रिफिलिंग कर रहा था, गाड़ी आपकी की है जी। सर ये बताइए कि कितने सिलेंडर डाले जा चुके थे सर इसमें? इसमें एक सिलेंडर पड़ गया था, दूसरा पड़ रहा था। सर कितने पैसे लेते हैं सर एक सिलेंडर डालने के? सर ये 2000 रुपए लेते हैं दो सिलेंडर डालने के। तो सर अवैध तरीके से काम कर रहे थे लगातार सर ये लोग? हाँ।